आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और मैं हूँ राजेंद्र नेगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दर्शन की ओर से भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने गांव के माँ नंदा देवी राजात के संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक बता रहा हूँ, जो कि प्रत्येक साल माँ नंदा का कौतिक लगता है और माँ नंदा को कैलाश से बुलाकर मायके से विदा किया जाता है, जिसमें माता नंदा की रात्रि जागरण एवं माता नंदा को यहाँ पे जो रात्रि जागरण होता है उसमें माता नंदा को बुलाया जाता है। फिर दूसरे दिन माता नंदा जी को यहाँ से कैलाश भेजा जाता है, जो कि आप इस वीडियो में देखें। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि दूसरी वीडियो की भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। धन्यवाद। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि दर्शन के साथ। पैताना बैठी गे देवी गो ओला सार डोला सजाना बैठी गे देवी गी सोबा Yeah.
विज्ञा देवी गो जानी साण पैटन बैठी गया विजय सारे ढोल बाजन बैठी गया बाजन बैठी गया देवी का विजय सारे ढोल बाजन बैठी गया बाजन बैठी गया देवी का कल्यारू दमाऊ बाजन बैठी गया देवी का विजय सारे ढोल बाजन बैठी गया बाजन बैठी गया देवी का विजय सारे ढोल बाजन बैठी गया बाजन बैठी गया देवी का कल्यारू दमाऊ बाजन बैठी गया। अब यहाँ से जितने भी गांव की छतोली हैं वो सब तोली से होकर के ग्राम डुमक की ओर जाती हैं और जो इनका आज का जो पड़ाव डुमक में है वो डुमक में रहेगा, वहाँ पे से डुमक की निंदा भी मिल जाती है इनके साथ में। और फिर यहाँ पे से आगे सारी छतोलियाँ नंदी कुंड के लिए प्रस्थान करती हैं। यहाँ पर से जितनी भी छतोली होती है वो सब डुमक भगवान बजीर महाराज जी के प्रांगण में एकत्रित होती हैं और आज का पड़ाव इनका यहीं होता है। फिर यहाँ पर से कल सुबह यहाँ पर से नंदी कुंड के लिए ये प्रस्थान करती हैं और भगवान बजीर महाराज जी रक्षक के रूप में इनके साथ जाते हैं। फिर यहाँ पर से जो नंदी कुंड की यात्रा है वो कल सुबह यहाँ से निकलती है। आप सभी से एक बार निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी धार्मिक से संबंधित ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए फिर से देखने को मिलेगी। धन्यवाद।